अनेक अनेक रचनाओं के आप रचनाकार हैं और अनेक अनेक सम्मानों से आप विभूषित हैं, जिनमें हिंदुस्तान अखबार द्वारा हरिद्वार कुंभ 2010 के लिए उत्कृष्ट रिपोर्टिंग सम्मान से आप विभूषित हैं। डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल पुरस्कार। इस वर्ष डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल पुरस्कार हेतु नाम चयनित है डॉक्टर ललित मोहन पंत जी का। पिथौरागढ़ निवासी पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन पंत जी की पुस्तक अज प्रथम से हिम शिखरों तक, हिमालयों और हिम दर्रों की दुनिया में और सम्मान उन्होंने प्राप्त किया है उना द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। आपके सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम आपको इस सम्मान की कोटिश बधाइयां समर्पित करते हैं। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार। भैरव दत्त धूलिया धूलिया पुरस्कार श्री गणेश खुशाल गण भाग गढ़वाली गुरुमा भोली देव गढ़वाली कविता संग्रह बुढ़ापे का प्रेम नेशनल बुक ट्रस्ट गढ़वाली में लोक कथा गढ़वाली अक्षत, जिसमें श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के योगदान और गढ़वाली लोक साहित्य में गोविंद चाचा के योगदान को आपने संग्रहित किया है, प्रसारित किया है, आधा संसार आपकी रचना है, अनेक सम्मानों से विभूषित श्री गणेश प्रसाद गणेश जीवन अभिनंदन करते हुए हम अपार गौरव की अनुभूति करते हैं। और अब ये पुस्तिका का विमोचन है, बहुत ही कम समय में पुस्तिका का विमोचन होने जा रहा है। उत्तराखंड भाषा संस्थान के सहभागिता से कुमाऊनी भाषा साहित्य और संस्कृति प्रचार समिति कसार देवी अल्मोड़ा और कुमाऊनी मासिक पत्रिका पहलू के तत्वावधान में 15वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन 4 से 6 नवंबर तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में कुमाऊनी बोली के संरक्षण संवर्धन के लिए आए विचारों और आलेखों का संकलन तरान नामक स्मारिका में प्रकाशित किया गया है। सम्मेलन के मुख्य संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार पंत, श्री हयात सिंह रावत जी अपनी टीम सहित यहाँ उपस्थित हैं। हम श्री जनार्दन उपेन्द्र जनुदा, श्री हयात रावत जी और डॉक्टर अशोक पंत जी को आमंत्रित करते हैं। बहुत ही सीमित समय में हम अपने चयन समिति के मेंबर्स को मंच पर उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मैं बहुत ही शीघ्रता के साथ नाम ले रहा हूं, समय की कमी है। प्रोफेसर कुमुदिनी नौटियाल जी, डॉक्टर सिद्धेश्वर सिंह, श्री त्रिभुवन गिरी, डॉक्टर कमला पंजी, श्रीमती वीना बैंजवाल जी, श्री प्रतिबिंब भरद्वाज जी, श्री अंबर खरबंदा जी, ये बारी बारी से मंच पर सादर आमंत्रित हैं। साधारण सभा के मेंबर्स भी इसी क्रम में मंच पर डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी, डॉक्टर अतुल शर्मा जी, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, डॉक्टर हयात सिंह रावत जी एवं श्री अंबर खरबंदा जी। ये श्रद्धा और आस्था और प्रेम का प्रश्न है, क्योंकि आज एक वीसी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी है। बहुत ही कम समय शेष है,
और हम उनके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे साहित्यकारों के सम्मान है तो आप उपस्थित रहे। हम जिन साहित्यकारों का नाम बहुत ही सम्मान से हमने उद्घोषित किया, समय की कमी के कारण एक साथ साहित्यकारों को हमने मंच पर आमंत्रित किया है, आप अन्यथा नहीं लेंगे और हमारे मनों में रचे बसे आपके प्रति सम्मान को आप स्वीकार करेंगे और मंच पर अपनी गरिमामय उपस्थिति देंगे। ये साहित्यकारों का शुभ समागम है। मंच पर हमारे सभी साहित्यकार बहुत ही सम्मानित हैं और शीघ्रता के साथ हमने आपको आभार दी, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। सभी साहित्यकारों का हृदय से आभार। अंत में हम ग्रुप फोटोग्राफ बाद में जरूर लेंगे। सभी साहित्यकार जी, साहित्यकार चयन समिति के मेंबर्स और साधारण सभा के मेंबर्स इस समय सम्मानित होते हुए अंत में सभी साहित्यकारों का भी ग्रुप फोटोग्राफ होना है। बस समय की महत्ता को देखते हुए बहुत ही शीघ्रता के साथ हम ये सब अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं। अंत में हम ये फोटोग्राफ संपन्न कर लेंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विधायक श्री खजानदास जी से विनम्र प्रार्थना है कि अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। माननीय विधायक श्री खजानदास।